पढ़ाई करेंगे तो शिक्षा हर बच्चे को चाहिए, आगे शिक्षा बहुत काम आती है बच्चे के। क्या नाम है आपका? रिंकू जी। रिंकू, आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? छठी में। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? टीचर जी। टीचर बनना चाहते हो, क्या करोगे टीचर बनके? पढ़ाओ बच्चों को, पढ़ाओगे? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मनप्रीत जी। कौन सी क्लास में? पाँचवीं जी। आपको स्कूल क्यों अच्छा लगता है? स्कूल जी, टीचर अच्छे हैं, टीचर प्यार करते हैं और पेड़ पौधे अच्छे हैं, सफाई हम रखते हैं, सब कुछ अच्छे लगते हैं। ये बच्चे जो हैं इनके लगातार इनकी परवरिश करते हैं, पानी वगैरह डालना, खाद डालना, इनकी कटिंग करना, ये बच्चों को सिखाया गया है और बच्चों को ये बांटे गए हैं, ये सारे पौधे जो हैं उनकी वो पूरी जो है परवरिश करते हैं। क्या बच्चों को सिखाया जाता है कि टॉयलेट्स में ही जाना चाहिए कि खुले में? नहीं, खुले में नहीं जाना चाहिए, खुले से जो है बीमारियां फैलती हैं, बंद ही टॉयलेट्स के अंदर ही जाना चाहिए। शरीर की सफाई के बारे में कैसे ख्याल रखते हैं? शरीर के हमें सुबह प्रेयर में बताया जाता है कि हमें हर रोज नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ऐसे हम अपने सुबह नहा कर आते हैं। हमें अपनी पूरी ड्रेस के बारे में बताया जाता है कि हमें अपनी पूरी ड्रेस में आना चाहिए। और गाँव की स्वच्छता की बात अगर हम करें तो वो कैसे स्वच्छ रखना चाहते हो? हमें चाहिए कि हम रोज़ सुबह स्वच्छता में जाते हैं, जैसे हम देखते हैं भी कोई गांव में बाहर शौच के लिए जाए तो हम, वैसे तो हमारे गांव में कोई जाता नहीं है, पर हम दो तीन निगरानी कमेटी बनी हुई है जो हम समझाते हैं उन्हें भी, यदि हमें कोई मिल जाए तो हम उन्हें समझाते हैं प्यार से कि शौच के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। आज के जो युग में सफाई बहुत ज़रूरी है, अगर सफाई नहीं रहेगी तो हमें बीमारियाँ चारों तरफ से घेर लेंगी और हमारी तरक्की नहीं हो सकती। गांव की सफाई भी जरूरी है, जहां तक कि हम अपनी सफाई रखते हैं, इसी के साथ गांव की सफाई भी जरूरी है। अगर हमारे आसपास का माहौल साफ रहेगा तो ही हम स्वच्छ रह सकते हैं। सफाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? सफाई के बारे में, जैसे सफाई करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और देखने के लिए सब कुछ अच्छा रहता है, साफ सुथरा हो तो बढ़िया लगता है।